जिनके व्यक्तित्व की वजह से ही उनको लौह पुरुष कहा गया, जिन्होंने 550 से ज्यादा रियासतों को भारत के संघ में मिलाने का कार्य किया। आज हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जो कुछ भी सरदार पटेल ने देश को दिया, हमें दिया, हम उसकी रक्षा कर पाएं, सुरक्षा कर पाएं, संरक्षा कर पाएं। बिल्कुल। और हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां याद आ रही हैं इस वक्त कि ये प्रसिद्ध लौह पुरुष प्रबल, ये प्रसिद्ध शक्ति के शिला अटल, हिला इसे सके कभी न शत्रु दल, पटेल पर स्वदेश को गुमान है। और ये गुमान कहीं ना कहीं एक अहम जिम्मेदारी के साथ साथ हमें हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि कैसे भारत को, भले ही हम सॉफ्ट पावर के जरिए चाहे हम बात करें तमाम अलग अलग मंचों पर हम एक तस्वीर में देखते हैं, लेकिन भारत हमेशा एक समाधान पहुंचाने के तरीके से लोगों के साथ, देशवासियों के साथ साथ अन्य देशों के साथ भी खड़ा हुआ है। और इसीलिए देश का युवा हो या फिर महिलाएं या फिर पुरुष, वो सभी एकता के सूत्र में लगातार आगे चलते हैं। और ये आह्वान है उन युवाओं के लिए कि वो इस संघर्ष को समझें, इस स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान को सर माथे से नवाजें कि किस तरह से आज जिस स्वर्णिम भारत में वो रह रहे हैं, जिस आजाद हवा में वो सांस ले रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमेशा रहेगा। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न केवल प्रतीक एकता का है, बल्कि ये प्रतीक है कि कैसे भारत का कद वैश्विक पटल पर और भारत किस तरह से अपना डंका तमाम उन क्षेत्रों में उठा रहा है, जिस तरह से लगातार भारत आगे बढ़ता हुआ और अब कई मंचों पर अपनी बात पुख्ता पुरजोर तरीके से रखता हुआ। तो ये वो सपना था, ये वो दूरदर्शिता थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखी थी। खुद क्योंकि वो किसान परिवार से आते थे, इसलिए हमेशा उनकी एक कोशिश ये रहती थी कि अन्नदाता की आंखों में कभी आंसू ना आए, और इसी का प्रतिबिंब हम प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं और उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति में देखते हैं कि किस तरह से जब हम बात करते हैं नए भारत की, हम बात करते हैं उस कूटनीतिक पहल से लगातार जो डायलॉग प्रोसेस है उस प्रणाली को सुदृढ़ करने की, क्योंकि जिस तरह से कहा गया है कि जो वैश्विक परिस्थितियां इस वक्त है, ये जो युग है वो युद्ध का नहीं बुद्ध का है, और इसी में सबकी भलाई है। और प्रधानमंत्री लगातार इन विचारों को, जो विचार थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रासंगिक, आज भी उतने ही अनमोल और अनूठे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सहृदय स्वागत है आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस राष्ट्रीय एकता परेड में। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी, जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।